आप ही देखो। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं और वो श्री कृष्ण को नाम रूप में सबको वितरित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रभु जी कि ये जो मछुआरे होते हैं वो हाँ एकवीरा देवी को मानते हैं, तो एकवीरा देवी यानी कि रेणुका माता, और उनकी प्रश्न क्या पीढ़िया है? पूरी मछली को मारने में ही वो पीढ़िया। हाँ, प्रश्न है कि जैसे मांस कहा है तो उनको मछली की योनि में ही घूमना होता है, या उनका कैसे उद्धार कैसे होगा उनका, मछुआरों का, हरे कृष्णा, उनको वो प्रोफेशन त्यागना होगा, एकवीरा प्रोफेशन को देवी त्यागना तो होगा। डेफिनेटली रेणुका देवी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकवीरा देवी और जीवदानी देवी, ये सब जो देवियां हैं वो रेणुका देवी, और ये सारे जो देवियां हैं वो अलग अलग लोगों को आश्रय देते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार देखा जाए तो उनको फिर मछली का जन्म प्राप्त होगा। जो मछली मारते हैं उनको फिर उसका फिर मरना होगा मछली बनकर, फिर उनका कर्म पूरा होगा। लेकिन इसके बीच में अगर कोई उनको भक्त मिलता है और वो उनको प्रसाद देता है और उनको समझो हरि नाम का परिचय होता है, प्रसाद खाते हैं या होली धाम जाते हैं या यमुना में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो फिर उनके कर्मों का नाश हो सकता है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन के बाद में मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त करने के लिए या तो महाप्रसाद भगवान का खाना चाहिए या तो भगवान नाम का जप करना चाहिए या तो भक्तों की सेवा कोई करनी चाहिए या तो भगवान के धाम का दर्शन सही भाव में करना चाहिए। इसमें से कोई एक काम करेंगे तो फिर अपना कम से कम दुख भरा क्यों ना हो मनुष्य का जीवन फिक्स हो जाता है, अश्योर्ड हो जाता है। अभी भगवान नाम लेने के बाद में कितने भी पाप किए तो वो पाप के फल भोगने पड़ेंगे, लेकिन मनुष्य जन्म निश्चित होगा और मनुष्य के जन्म में फिर वो पाप का फल भोगेंगे। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी काम नहीं होंगे और केवल मछली मारते रहेंगे फिर वो कर्म के हिसाब से आगे जाएंगे। यस प्रभु जी अगला प्रश्न है कि शिव जी तो अयोनिज है, तो वह देवताओं की श्रेणी में क्यों आती है शिव क्योंकि वो जी? महादेव हैं। इसलिए देखिए ऐसा है कि अयोनिज होना या ना होना ये तो केवल भौतिक विश्व में आने की एक प्रक्रिया है। जैसे कृष्ण भी भौतिक दुनिया में आए तो देवकी और वसुदेव के गर्भ से आए, लेकिन भगवान को ऐसे प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो जब आते हैं तो इस प्रक्रिया से आते हैं। यमुना जी भी आई तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी के माध्यम से आई, गोवर्धन भी द्रोणगिरी के माध्यम से आए। तो आपने प्रश्न क्या पूछा था? देवताओं की श्रेणी में हाँ, क्यों आते हैं तो शिव जी? सदा भगवान शिव जी जो है वो महादेव हैं, केवल उनका आने का तरीका जो है वो शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रुकुटि मध्य से माता के बिना अयोनिज रूप से आना है। वो अयोनिज रूप में आने से या न आने से उनका महादेव का जो स्थान है वो भंग नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है। अगर कृष्ण भगवान देवकी के रूप गर्भ से नहीं भी आते, ऐसे आ जाते तो भी उनके पद में अधिकार में कोई बदल नहीं होता ना। तो अयोनिज होना या योनिज होना ये कोई देवता होने का लक्षण नहीं है। देवता लोक में आई एम श्योर, मुझे पता नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा कल्पना कर सकता हूँ कि देवता योनि में भी देवी और देवताओं का विवाह होता होगा, उनका भी संबंध होता होगा, गर्भवती होती होंगी और वो जन्म लेते होंगे, लेकिन शरीर सुगंधित होगा, यही फर्क है। लेकिन इसका मतलब अगर कोई योनि से जन्म नहीं लिया तो देवता नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। और प्रभु जी ये जो 84 लाख योनिया है उसमें 4 लाख मनुष्य योनि है, तो उसी में देवताओं की योनि भी काउंट हो यस काउंट होती यस है 4 लाख में? एकदम, वो पशु जैसे
मनुष्य है जो साउथ अफ्रीका के अमेजोन जंगल में रहते हैं, जो धनुष बाण लेकर ऐसे मार के खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं एकदम क्या है, असंस्कृत, पूरी तरह एकदम जानवर की तरह ही है लेकिन मनुष्य के शरीर में, ऑलमोस्ट जानवर ही है लेकिन मनुष्य के शरीर में है, वहां से लेकर ब्रह्मा तक 4 लक्ष योनियां हैं, 4 लक्ष योनियां हैं ये। इसमें दैत्य, दानव, राक्षस ये भी सब आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और देवता भी आते हैं, ब्रह्मा लोक तक जितने भी तपस्वी जीव हैं वो सब आते हैं, लेकिन इन सब में भी मनुष्य का जीवन जो है वो सर्वोच्च माना गया है। क्या हो गया अभी, माता जी कहाँ गई? इन सब में भी मनुष्य का जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है? यस प्रभु जी, भगवत गीता में जो दो श्लोक है कि भगवान बोलते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थिना, हमने भगवान से द्वेष किया और इसके लिए हम यहाँ आए, और दूसरा एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में अगर कोई आ गया यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो वहां से वापस लौटने की आशा नहीं है, तो हम आध्यात्मिक जगत में कहाँ थे कि जहाँ से हम द्वेष हाँ, करके यहाँ पे आए? ये जो है ना, ये अभी न सुलझा हुआ विवाद है, अभी भी इसमें विवाद चल रहा है और चलता रहेगा कि क्या हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे और वहां से गिर गए, कि यहीं पर थे और यहाँ से ऊपर जाना है। इसके अंदर दो प्रकार के मत प्रवाह हैं और वो कभी भी आज तक सुलझा नहीं है मामला, तो इसलिए हमको ये एडवाइस दिया गया है कि चलो अगर ऊपर होंगे या नीचे गिर गए ऊपर से या यहीं पर थे, दोनों में से कुछ भी होगा, अभी तो फिलहाल हम लोग यहीं पर हैं, गोलोक वृंदावन में तो नहीं है हम लोग, अभी फिलहाल हम लोग भौतिक दुनिया में हैं, भौतिक शरीर में हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोग रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि वापस जाना है। और जैसे उदाहरण देते हैं कि समझो कोई बोट में से, समझो कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और उसको बोट में से कोई व्यक्ति टायर भेज रहा है, डोरी भेज रहा है, तो वो पूछ रहा है कि मुझे पहले बताओ मैं यहीं पर था कि बोट से गिरा, तो बोट का व्यक्ति बोलेगा अरे भाई तुम कहीं से भी गिरोगे या वहीं पर रहोगे, पहले तो डोरी पकड़ो और बोट पे आ जाओ, फिर चर्चा करेंगे हम लोग कि आप कहाँ थे। इसी तरह से ये चर्चा जो है इसका कोई अंजाम नहीं है, इसको जीवा थ्योरी कहते हैं, जीवा थ्योरी। और जीवा थ्योरी में बड़े बड़े पंडित अभी विवाद में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी निर्णय निकला नहीं है इसके अंदर, कि हम लोग भगवान का द्वेष भगवत धाम में करके नीचे आए हैं या तो हम यहीं पर थे और यहीं पर हैं और यहीं से हमको ऊपर जाना है, ये दोनों में से कौन सा सच है ये कोई भी जानता नहीं है। और भगवान भी कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमं मम, अगर कोई मेरे धाम में आ जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है, तो आप कहेंगे कि हम लोग तो यहीं पर हैं इसलिए वहां पर जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, तो थियरी यही सही है कि हम लोग यहीं पर हैं और यहीं पर थे और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, तो जब भगवान के पास थे तो हम कैसे द्वेष करेंगे वहां पर भगवान के धाम में। इस प्रकार के वाद विवाद चल सकते हैं और हम जीवन के अंत तक ये वाद विवाद करते रह सकते हैं, और फिर मौत आ जाएगी, फिर हमको कोई और अगला जन्म मिलेगा, तो उस चर्चा का लाभ क्या है, नो नो यूज। बुद्धिमानी तो इसी में है कि अभी मनुष्य जन्म मिला हुआ है, पृथ्वी पर मिला हुआ है, अच्छी तरह से जप करना है, भगवत प्रेम निर्माण करके जाना है बस, आगे वहां जाकर भगवान से पूछेंगे हम लोग कहाँ थे, उधर ही थे कि इधर से वापस आए। यस और प्रभु जी, ये महत्तत्व से रिलेटेड प्रश्न है कि कारणोदक्षायी विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और फिर प्रधान द्वारा महत्तत्व की सृष्टि होती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग द्वारा, करेक्ट है प्रभु जी? द्वारा ये प्रधान यानी कि जो अनमैनिफेस्टेड जो होता है, तो उसको प्रधान नहीं कहते, उसको प्रधान ही, प्रधान का मतलब क्या है? अच्छा,
देखिए भागवतम में जो अनमैनिफेस्टेड दो उसको प्रकार की प्रधान सृष्टि होती और है, दो प्रकार की, महत्त्व आप उसका कुछ उच्चार अलग कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड। दो प्रकार की अच्छा सृष्टि होती है, एक है सर्ग और एक अभिसर्ग। तो सर्ग का अर्थ होता है कि सृष्टि, यानी एक होती है प्रकृति सृष्टि, एक होती है जीव सृष्टि। तो प्रकृति सृष्टि पहले निर्माण होती है, जैसे कि विष्णु के शरीर के रंध्रों में से बीज रूप में लोक निर्माण होते हैं, लोक यानी प्लैनेटरी सिस्टम्स। बीज रूप में उनके ये जो स्किन के पोर्स है ना, उसमें से निकलते हैं वो, फिर विकसित होते हैं, फिर वो पूरे ग्रहमाला विश्व ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और वो कारणों तक सागर में लेटे हुए हैं और उनके निश्वास के माध्यम से ये सब निर्माण होते हैं। ये सब बीज रूप में निर्माण हुआ, पूरा विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ, तो उस पर फिर वो दृष्टिपात करते हैं। सॉरी, एक मैं गलत बता रहा हूँ, पहले वो दृष्टिपात करते हैं इन तत्वों के ऊपर, जो 24 तत्व है ना, जो पंच महाभूत, पंच इंद्रिय, 5 विषय, त्रिगुण, ये जो 24 विषय हैं, 24 तत्व हैं, इन पर वो दृष्टिपात करते हैं। तो फिर वो कार्यान्वित होते हैं दृष्टिपात होने के बाद में, और सृष्टि का निर्माण होता है। फिर आगे का जो निर्माण कार्य है वो नहीं करते, उसको विसर्ग कहते हैं। फिर वो जो ब्रह्मा जी, उन्होंने हर एक ब्रह्मांड में निर्माण किए हैं, जो निर्माण होते हैं, मतलब वो सबसे पहले दृष्टिपात करके ये अनंत ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। फिर अनंत ब्रह्मांडों में वो स्वयं महाविष्णु जो है, वो स्वयं गर्भ उदक शायी विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, हर एक गर्भ ब्रह्मांड में अपने आप को प्रस्थापित करते हैं। फिर हर एक गर्भ उदक शायी विष्णु के गर्भ के नाभि से कमल खिलता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। यहाँ से आगे विसर्ग शुरू होता है, यहाँ तक सर्ग है, और यहाँ से आगे ब्रह्मा जी फिर वो जो बने बनाए 24 तत्व हैं उसका करते हैं इंजीनियरिंग। उसका इंजीनियरिंग करके अलग अलग योनियों के अलग अलग देह बनाते हैं, उनके कर्मों के स्टॉक के अनुसार जो उनको प्राप्त होता है भगवान के द्वारा, और उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद में ब्रह्मा जी उनकी तरफ से विसर्ग सृष्टि करते हैं, यानी जीव सृष्टि करते हैं। उसमें फिर 84 लाख योनियां, हर एक जीव के कर्म के अनुसार, कोई कुत्ता बनेगा तो महल में बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा तो रोड पे बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा तो अपंग बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा तो अंबानी के घर में बनेगा, धनी आदमी के घर में एयर कंडीशन में रहेगा। ये सारे जो उसके जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार ब्रह्मा जी सारे देवताओं की सहायता से ये सब कार्य करते हैं, और उनका जीवन कंट्रोल करते हैं, उनका जीवन मैनेज करते हैं। सारे देवता लोग भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार उनको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। किसी को तूफान का कष्ट क्लेश भोगना पड़ता है, किसी को आंधी का क्लेश भोगना पड़ता है, किसी को भूकंप का भोगना पड़ता है, किसी का वायु के द्वारा, इंद्र के द्वारा, वरुण के द्वारा, जो भी है वो ब्रह्मा जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हर एक देश में हर एक जीवों को, सब जीवों को उनका कष्ट और सुख देते हैं। इसको सर्ग और विसर्ग कहते हैं। जी, ब्रह्मांड में ब्रह्मोदकशायी विष्णु जो उसका आधा स्वेद जल से भर देते हैं, तो फिर वहां पे क्षीर सागर कहाँ होता है? क्षीरोदकशायी विष्णु कहाँ वेरी गुड पे होते क्वेश्चन। हैं? देखिए सबसे पहले महत तत्व का निर्माण होता है, जो 24वां तत्व है, उसके बाद में बाकी 23 तत्व निर्माण होते हैं कारण कारण उदक शाही विष्णु के द्वारा। और फिर ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। तभी आप एक ब्रह्मांड ऐसे, एक अंडा ऐसा आप सोचिए, हाँ, और ब्रह्मांड का मतलब अंडा ही है, मतलब एक ब्रह्मांड। तो उसमें आधा जो है वो गर्भोदक शाही विष्णु के शरीर का ज्वल है, जल है, गर्भ उदक सागर। जैसे हमारे स्त्रियों के गर्भ के अंदर भी होता है, एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर वो बालक 9 महीने तैरते रहता है, वो फ्लूइड ही उसका बेस है जिसके ऊपर वो रहता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है, उसमें
वो सागर के आधा अंडा जो है वो सागर से भरा हुआ है, उसके अंदर वो गर्भ उदक शायी विष्णु विराजमान है, उनके चरणों की सेवा विष्णु कर रही है। फिर वो जो गर्भोदक शायी विष्णु है वो एक और रूप में विस्तारित होते हैं उसी लोक पे, उसी ब्रह्मांड में, सॉरी उसी ब्रह्मांड में, और वो उनका नाम है क्षीर उदक शायी विष्णु। और उनका जो रहने का ठिकाना है वो उसी सागर में है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, जिसको लोकल ब्रह्म लोकल वैकुंठ भी कहते हैं। वो एक ब्रह्मांड में स्थित एक लोकल वैकुंठ है जिसमें क्षीर उदक शाही विष्णु विराजमान रहते हैं, उधर भी उनकी चरणों की सेवा लक्ष्मी करती हैं। और वो जो क्षीर उदक शाही विष्णु है वो हर एक जीव निर्माण किए हुए जीव के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा कौन है? तो वो क्षीर उदक शाही विष्णु का विस्तार है, लेकिन क्षीरोदक शाही विष्णु एक है, एक ब्रह्मांड में एक है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत है। तो वो जो आपने कहा ना क्षीर सागर, वो उसमें है, उसी में है, वो उसी उसी ब्रह्मांड के अंदर है, दूध का सागर है, उसके बीच में वो विष्णु विराजमान रहते हैं। और जब भी इस ब्रह्मांड में कभी कष्ट होता है ना, दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, तो सभी देवताओं को पृथ्वी गाय वन कराती है, वो सबको लेकर ब्रह्मा जी उस क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और वहां से पुरुष सुक्त का गायन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान उनकी सुनते हैं और फिर उनको जवाब देते हैं टेलीपैथी के द्वारा, मैसेज के द्वारा। और कोई माता जी प्रभु जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, मेरी लिस्ट काफी लंबी है प्रभु जी, लेकिन कोई माता जी इसको अगर पूछना है तो पूछ सकते मेरे हैं। पास 7 मिनट है, जो पूछना है पूछ लो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत जोर से बोलना माता जी। हरे कृष्ण। आई प्रभु जी मेरी आवाज? हाँ प्रभु जी आज सुबह जपा का जो सेशन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु जब ये झारखंड के तरफ गए तो वहां के पशु भी जो विद्रोही स्वभाव के थे वो भी आपस में मिलने लगे, गले मिले। लेकिन प्रभु जी अभी अभी के समय में जो मनुष्य है, मनुष्य ही मनुष्य विद्रोह कर रहा है और खास करके अपने लोग, और जैसे आप सुबह बताए कि माफ करने का, जो जब हम जपा करते हैं तो माफ कर देते हैं, तो माफ भी करते हैं प्रभु जी, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो सुपीरियर है और हम तुच्छ हैं, और इस वजह से प्रभु जी बार बार हम भी मनुष्य हैं तो शायद में उतनी क्वालिटी है नहीं, कि मेरे में तो नहीं है प्रभु जी की, वो दिमाग में आता है प्रभु जी। और खास करके राधा गोपीनाथ प्रभु बताते हैं कि अगर हम किसी को 20 रुपया भी उधार दिए ना तो जपा के समय ही याद आता है। तो प्रभु सही बात है, क्योंकि जी माया का, माया जो है ना बहुत होशियार है, वो कौन सा अस्त्र आप पर कब प्रभाव करेगा वो सब स्टॉक में रखती है, जो आपको तकलीफ दे प्रभु सकता है वो सारे इन्फॉर्मेशन वो जमा करके रखती है और बराबर जानती है कि कौन सी जगह पर कौन सा अस्त्र चलाना है। अगर आप 20 रुपए से अटैच हैं तो वही चलाएगी आपके ऊपर, अगर आप बिल्कुल अटैच हैं तो वो बिल्कुल आएगा नहीं कभी आपके सामने। आपके सामने जब करते समय वही चीज आएगी जिसमें आप अटैच हो, परेशान हो, उससे नेगेटिवली या पॉजिटिवली से परेशान हो, उसी का आपके ऊपर याद आएगी उस समय। तो आप समझ सकते हैं ना कि माया कितना अभ्यास करती है, देखो कितना डिटेल में अभ्यास करती है आपका, हमारा अंदर का जो चेतना है उसको कितना गंभीरता से वो स्टडी करती है, और सारा वो जितने भी अस्त्र उसके पास में सब वो उसका वर्गीकरण करके क्लासिफाई करके तैयार रखती है, कभी कौन से समय क्या छोड़ना है। तो इसलिए प्रभु जी हाँ हाँ, तो मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अरे वो जानवरों को, तो जानवर होते हुए भी तुरंत प्रेम आ गया भगवान के ऊपर, तुरंत प्रेम प्रकट हो गया, आंखों से अश्रु आने लगे, तो हमारा कैसे होगा? वो कारण ये था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान वहां पर उनके साथ में थे, उनकी सारी पोटेंसी
वहां पर उपलब्ध थी, वो पूरी पोटेंसी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी, इसलिए उनको जानवर होते हुए भी, इतनी नीच चेतना होते हुए भी तुरंत प्रेम का अनुभव हुआ, आत्म स्तर पर प्रेम का अनुभव हुआ और मनुष्य के जैसे उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण किया। तो हमारे सामने भगवान नाम है लेकिन भगवान स्वयं नहीं है, तो हमें हमको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। वो तो उसको अनन्य असाधारण कृपा कहते हैं जो उन सभी जानवरों पर हुई, लेकिन हमारे ऊपर भी वो कृपा हुई है, लेकिन थोड़ा हमको मेहनत भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं कलयुग के, पर हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूला देकर गए वो, और हमें भी उसी श्रद्धा से और भावना से अगर हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पर भी वो परिणाम होगा, लेकिन तब तो करना ही पड़ेगा ना, तपस्या और थोड़ा सा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं होगा। यस, ये जो मन के जो विकार है ना, इसी से हमको जूझना है, और इसलिए मैं बार बार ना, आपको लगता होगा मैं रिपीटेटिवली एक ही बात कहता हूँ जपा में, मॉर्निंग के स्पीच में, ध्यान से जप करो, ध्यान से जप करो, ध्यान से जप करो। कारण क्या उसका, मैं भी अभी भी जप कर रहा था आपके लेक्चर के पहले, तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं जप कर रहा हूँ, मुझे पूरा हृदय मेरा भगवान के नाम से व्याप्त करना है, लेकिन फिर भी कितने विचार मन में आ रहे हैं, किसी कितने प्रकार के विचार मन में आते हैं, वो हृदय की जो जगह है वो घेर लेते हैं और भगवान की जगह कम 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 कर लेते हैं। तो जितनी भगवान की जगह कम है और विचारों की जगह ज्यादा है, उतना कम हम प्रगति कर रहे हैं। जितना एकाग्र होकर भगवान को ज्यादा ध्यान से जगह दे रहे हैं हृदय में, उतना जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नाम तो वही है, सबको वही नाम दिया है, और बहुत लोग सुबह भी जप करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग परिणाम भी दिखते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग जप के समय भगवान को अलग अलग मात्रा में स्थान देते हैं और बाकी विचारों को भी स्थान देते हैं, ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उसका लाभ प्राप्त करता है। और ये ध्यान देना और नहीं देना, ये भी हमारे ही हाथ में है, वो हमारी ही इंडिपेंडेंस है। हरे कृष्णा। यस, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। साधु लोग या भक्त लोग जो मुक्त रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो मुक्ति रहते हमेशा, तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मतलब उन्हों तो अभी मतलब जन्म मृत्यु नहीं है ऐसा हम समझते हैं मुक्ति का, तो एक्चुअल रियल सेंस में मुक्ति है। दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक है मोक्ष जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद में हम दोबारा जन्म लेते नहीं, उसको मोक्ष कहते हैं, और एक है जीवन मुक्त जो जीवन में होते हुए भी जीवन के जो प्रभाव है उनसे मुक्त रहता है। जीवन के क्या क्या प्रभाव है? तीन गुणों के अंदर रहना, ये जीवन का प्रभाव है। तीन क्लेश में व्याप्त रहना, ये जीवन का प्रभाव है। ये तीनों, ये जो छह चीजें हैं, तीन प्रकार के क्लेश और तीन प्रकार के गुण, ये छह चीजों से वो व्यक्ति मुक्त रहता है, उनके प्रभाव से मुक्त रहता है। शरीर तो उसका बूढ़ा होगा, मैं जन्म मृत्यु जरावादी की बात कहा गया नहीं कहा, वो भी चार चीजें है ना, लेकिन वो चार चीजें चलती रहेगी शरीर में, लेकिन तीन गुणों का प्रभाव में वो कार्य नहीं करेगा और तीन क्लेशों से त्रस्त नहीं होगा। तीन क्लेश भी होते रहेंगे, शायद उसका शरीर को कैंसर होगा, शायद उसको शरीर में एक्सीडेंट होगा तो हाथ टूट जाएगा उसका, वो सब शरीर का होगा, जन्म मृत्यु जरावादी होते रहेगी, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आएगा वो। हाय भगवान ने मेरे, मैं शुद्ध भक्त होते हुए मेरे हाथ भी तोड़ा आपने, मैं तो प्योर डिवोटी आपका, वो जो होगा उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके परे रहेगा वो भी नहीं करेगा, कंप्लेंट भी नहीं करेगा, हमेशा धन्यवाद में रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। वो केवल शरीर में है, यही एक चीज है बस, वो एक शरीर में है, यही चीज है, और उसके अलावा और कोई शरीर का परिणाम उसके एक्टिविटीज में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, और वो जीवन मुक्त व्यक्ति जब भी मर जाता है शरीर के नियम के अनुसार, तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है, कभी भी मरेगा तो लौट के नहीं आएगा, ऑलरेडी वो रेडी है, कभी भी जा सकता है, कभी भी जाएगा तो भगवत धाम पहुंच जाएगा वो। और जो मोक्ष पाता है, हाँ,
वो भी नहीं आएगा जो मोक्ष गया है, मतलब मुक्ति अभी हम चर्चा करें वो मुक्ति अभी आपके जीवन भर आप जीवन मुक्त नहीं थे, समझो आप जीवन भर जीवन मुक्त नहीं थे, जीवन भर जीवन मुक्त अवस्था में नहीं थे आप, लेकिन समहाउ भक्तों की कृपा से जीवन के अंत में आपने भगवान का प्रेम से याद किया, तो भी वही गति होगी जिससे जीवन मुक्त की होगी। लेकिन फिर भी जीवन मुक्ति श्रेष्ठ होगा, वो जाएगा तो भगवत धाम में भी उसका उच्च स्थान होगा, है ना। भगवत धाम में भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना, दास्य रस है, माधुरी रस है, सब लोग प्योर डिवोटीज हैं, अपना अपना प्योर सेवा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें अंदर एक श्रीदामा है, एक सुदामा है, एक राधा रानी है, वो अलग है ना उधर, तो नित्य सिद्ध है, कोई कृपा सिद्ध है, साधना सिद्ध है, तो वो अलग अलग जगह पर सेवा करेंगे अपनी जाके। ओके थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग रोज मिलते हो क्या, डेली मिलते हो आप? यस सर, यस यस सर, हां डेली मिलते हो। और कितने प्रश्न बाकी आपके प्रभु जी? अभी है प्रभु जी 10 से 15 क्वेश्चन है अभी, तो कल आता हूँ फिर से 4 बजे। यस यस थैंक यू प्रभु जी। हाँ और सब लोग जरा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे जरा बहुत बोर होता है मुझे ये वीडियो क्लोज लोगों को देखने के लिए, बहुत गंदा लगता है। ओके हरी बोल।